ऑपरेशन कमल क्या है सर? ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन कमल तो विधानसभा के चुनाव निर्णय में हो गया, लोगों ने ऑपरेशन कमल कर दिया है। कहाँ है ये ऑपरेशन कमल? ये छोड़ दीजिए, ऑपरेशन कमल में चार लोग है, उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस, ये चार लोग ऑपरेशन कमल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अगर आपके पास बहुमत था तो ऑपरेशन कमल की जरूरत आपके आपको क्यों पड़ी है? चला मुख्यमंत्री अजीत पवार को बीजेपी बना रही है तो क्या एनसीपी के बहुत सारे लोग टूटकर बीजेपी में भी जाने की उम्मीद बढ़ जाती है? क्यों बीजेपी से टूटकर हमारे पास नहीं आ सकते क्या? आप एनसीपी और शिवसेना की बात बार बार क्यों करते हो? उनके यहाँ के साधु संत बैठे हैं क्या? आधे तो कांग्रेस एनसीपी वाले बैठे हैं ना उधर। द रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नर विल बी प्लेस्ड एंड आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर फडणवीस आई हैव सीन दैट अलोंग विद द लेटर ऑफ फडणवीस देयर वाज अ लेटर बाय मिस्टर अजीत पवार एज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल एनसीपी एमएलएस सो द गवर्नर वाज एब्सोल्युटली राइट इन ग्रांटिंग एन इनविटेशन फॉर हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट दैट्स व्हाट वी विल से। I don't know what the Supreme Court will do. We will argue. Today, Supreme Court is going to give a verdict on Maharashtra political situation. We are very much hopeful. Every truth will be before them, and there will be a judgment. And we are hopeful it will be support us. Despite that, out of 54 MLAs, we have 53 MLAs. Only Ajit Pawar ji left. We appeal him. That you can rectify your mistake and please resign. Still time is there. And Mr. Devendra Fadnavis have to take a call that we have 165 MLAs. You doesn't have any majority. You have to take a responsibility that you had made a mistake and resign. If they are not going to resign, definitely we will defeat the government on the floor of the house when a motion will come to take a confidence. And definitely the motion will be defeated because we have 165 MLAs with us and we are hopeful after defeating the motion there will be a new government of Shiv Sena, Rashtrawadi Congress and Congress Party. People are saying that some offer has been given to Ajit Pawarji or NCP. That kind of a thing is not there. It is a priority that we should defeat this government and we have to bring a new government in the state of Maharashtra. With Shiv Sena, NCP and Congress Alliance. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को वो मिले और उन्हें मार्गदर्शन करने का काम किया। साथ ही साथ शिवसेना के नेता पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी भी उस मीटिंग में आए थे। दोनों नेताओं ने मार्गदर्शन किया और जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो भी फैसला आएगा वो क्या होगा वो देखकर आगे रणनीति तय की जाएगी। अगर विश्वास मत पारित करने के लिए कोई प्रस्ताव विधानसभा में जब आएगा तो संख्या बल के आधार पे उस प्रस्ताव को हम गिराएंगे, उन्हें हराने का काम करेंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 50 विधायक हमारे साथ हैं। मैं खुद होटल में नहीं रहता हूँ, सभी होटल में नहीं रहते। 50 विधायक हमारे साथ हैं, चार विधायक जो हैं जिन्हें बीजेपी के लोगों ने कहीं रखा हुआ है वे लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और वो भी निश्चित रूप से जल्द ही साथ में आ जाएंगे। अगर नहीं आने दिया गया तो विधानसभा में तो आएंगे पूरी तरह से सभी विधायक हमारे साथ।
हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से भी कि प्रोटम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रथा परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है हाउस का उसे प्रोटम स्पीकर अनाउंस करें ताकि जो प्रेसिडेंस है हाउस का जो कन्वेंशन है उसको बरकरार रखा जाए और कन्वेंशन के अनुसार सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो भी हाउस का कोई भी पार्टी का हो उसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को अपॉइंटमेंट आप लोग किसे चाहते हैं? हमारे चाहने का सवाल हमारे हमारे किसी को चाहने का सवाल नहीं है। हाउस की कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हाउस का जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो कन्वेंशन तो ये कहता है कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है जो गवर्नर करते हैं। तो हमें यही हमारी अपेक्षा है कि हाउस के सीनियर मोस्ट व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाए। सर मराठी संघा स्पीकर स्पीकर बाबतीत तुम्हारा काय वाटते? मराठी संघा सर मराठी एनसीपी से कोई जानकारी मिली है क्या? नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे ये थोड़ा बहुत सुनने में है कि एनसीपी के नेता वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में है, प्रयास चल रहा होगा तो इतने जल्दी कुछ मुझे कहना मुनासिब नहीं है, वो एनसीपी का इंटरनल मामला है। सर स्पीकर बनाएंगे, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, वरी मत करिए, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखिए। स्टेबल की तो संभावना रखती ही नहीं है, जिनके पास संख्या नहीं है जिनके पास नंबर्स नहीं है वो स्टेबिलिटी क्या लाएंगे राज्य में, वो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि ये बीजेपी ने जो प्रयास शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगने का प्रयास किया है, इतवार के दिन हियरिंग लेने की क्या आवश्यकता है ऐसा उन्होंने कहा है, कई तांत्रिक मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहस बढ़ाने का प्रयास जब किया जाता है इसके पीछे का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितनी देर हो उतनी देर में लोगों को तोड़ने का प्रयास करने का पूरा कोशिश एनसीपी ये बीजेपी की ओर से की जा रही है।